वित्तीय एवं डिजिटल साक्षरता जन जागरूकता कार्यक्रम बिंदकी समिति के बनसंती खेड़ा ग्राम में संपन्न हुआ। फतेहपुर बिंदकी की खास खबरें आपको बता दें, 16/1/2024 को फतेहपुर कोऑपरेटिव लिमिटेड फतेहपुर शाखा बिंदकी समिति बसंती खेड़ा ग्राम में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के वित्तीय समावेशन निधि के अंतर्गत फतेहपुर कोऑपरेटिव बैंक का जन जागरूक कार्यक्रम 16/1/2024 को बसंती खेड़ा ग्राम ब्रिजमोहन राणा उर्फ बीएम जादूगर द्वारा रानीपुर जिला झांसी निवासी रूट फाउंडेशन संस्था सीतापुर से आए फतेहपुर कोऑपरेटिव बैंक नाबार्ड की योजना के बारे में बीएम राणा जादूगर द्वारा किसानों के बीच में जाकर इस योजना का विस्तृत जानकारी दिया जा रहा है। फतेहपुर के सभी क्षेत्रों में प्रतिदिन इसी तरह नाबार्ड योजना का कार्यक्रम किया जा रहा है। इस जन जागृत कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार की योजना के बारे में बताया जा रहा है, किस प्रकार सरकार की योजनाएं उत्तर प्रदेश में चल रही हैं, जैसे प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना, सुरक्षा बीमा योजना, दुर्घटना बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, डीएपी, यूरिया व नैनो खाद के फायदे और नुकसान के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। फतेहपुर कोऑपरेटिव बैंक नाबार्ड से संबंधित कुछ सवाल किए, उचित उत्तर देने वालों को मंच पर बुलाकर इनाम देकर सम्मानित किया। बीएम राणा जादूगर और जादूगर का कार्यक्रम अंत में दिखाया गया। जादूगर द्वारा आए हुए किसानों और बच्चों को जलपान की व्यवस्था कराई। फतेहपुर कोऑपरेटिव बैंक की योजना का कार्यक्रम 16/1/2024 को फतेहपुर शाखा बिंदकी समिति के बसंती खेड़ा ग्राम में कुछ लोग अतिथि के रूप में वहां पर उपस्थित रहे। इसमें श्रीमान सुनील कुमार वर्मा, शाखा प्रबंधक बिंदकी, पत्रकार अखिलेश उमराव जी, दैनिक जागरण की उपस्थिति में कार्यक्रम बसंती खेड़ा ग्राम में सम्पन्न हुआ। बता दें आपको कि सभी ग्रामीण व क्षेत्रवासियों को और घर वहां पर उनके घर घर जाकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इस भारत सरकार की योजना का सभी लोगों को लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। फतेहपुर से जिला रिपोर्टर रवि कुमार साहू की खास रिपोर्ट।